हेलो फ्रेंड, अनमोल कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर अगर कोई भी रिसीप्ट आपको बिल बनाना है डेली यूज के लिए, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे फिर आप ऑफिस का हो या फिर कोई स्कूल का हो, किसी प्रकार से आप बना सकते हैं। इस फॉर्मेट को आप देख रहे हैं, ये हमने बना के इसको प्रिंट किया है और स्कैन करके आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये एक डेली यूज के लिए इस तरीके से फॉर्मेट प्रोट्रेट में हो या लैंडस्केप में हो, कैसे भी इसको आप बना सकते हो। यहाँ पे पोर्ट्रेट पेज में है, इसको हम सेट कैसे करेंगे और इसको हम कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको। ध्यान रखना है, हम इस पे बना के दिखाएंगे। जब भी कोई काम करें, जैसे हमने पहले बता रखा है, कंट्रोल पी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल पी, ये देखिए एक लाइन आ गई, ये पोर्ट्रेट में ऑलरेडी सेट है। यहाँ सेट कैसे करना है, पेज लेआउट में जाना है आपको। पेज लेआउट में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मार्जिन, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें यहाँ से इसको मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे साइज क्या आप लेना चाहते हैं, A4 A3 जो भी आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ये एक्सेल शीट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बनाना है। ये फॉर्मेट आपके सामने कंट्रोल PM करेंगे, देखिए इसको प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप कलर में करना चाहें तो कलर में कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट करना चाहें ब्लैक एंड वाइट में कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको इसको प्रिंट करना है। तो होम पे चलते हैं दोस्तों, इसको कैसे बनाना है, इसको एडिट करना है। ये डेली यूज के लिए सीट है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये हमने एक यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करके रखा है और इसके जो हम एडिट करेंगे, इसको फॉर्मेट तैयार कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे सिखाएंगे। टाइप करना है दोस्तों फॉर्मेट, अपने कंपनी का नाम या कुछ भी जो भी टाइप करना है वो आप अपने नाम से टाइप कर सकते हैं। ये सिर्फ हम आपको फॉर्मेट कैसे करना है, उसको एडिट कैसे करना है वो यहाँ पे हम सिखाएंगे। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले नाम टाइप करना है, जो भी आप अपनी कंपनी का डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नाम टाइप करें। सबसे पहले हम कंट्रोल पी दबाएंगे। कंट्रोल पी दबाने के बाद इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो पेज है वो कहाँ तक है। देखिए ये फोर सीट हमारी ये है, इस तरीके से यहाँ तक हम इसके जो भी काम करेंगे अंदर करेंगे, बाहर हमें काम नहीं करना है। अगर बाहर काम करते हैं तो ये प्रिंट के बाहर हमारा चला जाएगा, प्रिंट के अंदर नहीं आएगा। तो इसके लिए अब क्या करना होगा, कंट्रोल पी पहले दबा लें, उसके बाद ही ये इसका फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने पहले वाली वीडियो में भी बता रखा है, वो वीडियो नहीं अगर आपने देखा है तो उसको ज़रूर एक बार देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम कंट्रोल पी हमने दबा लिया, अब इसको हम फॉर्मेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमने 1 2 3 ये टाइप किया है यहाँ पे, ये नंबर हमने टाइप किया है वो हमें कैसे करना है इसको देखना है। सबसे पहले इसको हम मर्ज करेंगे, सबसे पहले हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 से लेके यहाँ तक हमें सिलेक्ट करना है इस तरीके, यहाँ तक। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे हल्का सा पकड़ेंगे और इसे छोटा कर देंगे। ये देखिए ये सीट के अंदर हमारा आ चुका है, सीट हमारी यहाँ तक है, तो थोड़ा हल्का सा और बड़ा कर लें। अब सेट हो गया, ये ऑटोमेटिक देखिए एक ही बार में सेट हो गया, क्योंकि हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ऑटोमेटिक एक ही बार में आप सेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये बहुत ईजी है, इसे सेलेक्ट करना है पूरा ऐसे और उसके बाद पकड़ के यहाँ से छोटा बड़ा कर देना है। अब इसको हम मर्ज कर लेते हैं, 2 सेलों को हमने सेलेक्ट किया ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने मर्ज कर दिया। इसको हमें बीचों बीच सेंटर में रखना है, टेक्स्ट को बड़ा करना है, यहाँ से फॉर्मेटिंग आप यहाँ से छोटा बड़ा टेक्स्ट को कर सकते हैं। राइटिंग चेंज करना है वो भी आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी राइटिंग आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसको हम सेंटर अलाइनमेंट दे देते हैं, क्लिक करेंगे। अब ये इसका भी हमें मर्ज करना है, इसका भी मर्ज कर दिया, बीच अभी सेंटर कर दीजिए, इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करना है, बड़ा कर लीजिए, और इसको हम साइड में कर लेते हैं, और ये इसको बीचों बीच में हम रखेंगे सेंटर में। इसको बोल्ड टैलिक अंडरलाइन करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए। इसके बाद ये हमें मर्ज करना है, इसको भी हम मर्ज कर देते हैं, और हम इसको भी मर्ज कर लेते हैं, ये देखिए। अब इसे सेलेक्ट करेंगे हम, इसको सेंटर अलाइनमेंट ये रखते हैं। तो ये इस प्रकार से आप इसका करना है। इसके बाद
अब इसकी आउटलाइन अगर आप हटाना चाहते हैं, देखिए अगर आप इसको कलर कर देंगे तो आउटलाइन ऑटोमेटिक हट जाएगी, देखिए आउटलाइन इसकी गायब हो गई। तो इस तरीके से आप इसको, ये देखिए गायब हो गया। अब इसको हमें सेंटर अलाइनमेंट करना है, तो ये तो रहेगा हमारा, और ये मंथ जो रहेगा ये हमें इस सेंटर में यहाँ तक रखना है, ये इसका हमें थोड़ा सा सेल बड़ा करना पड़ेगा, ये यहाँ तक ऐसे, और इसको थोड़ा सा हमें सेंटर में लाना होगा इस तरीके से। इसके बाद ये हमें इस सेंटर के अंदर रखना है, ये थोड़ा सा बड़ा है और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए सेट हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा और बड़ा करना है तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं इस तरीके से, और इसको हल्का सा बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा ऐसे। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये तो हमने सेट कर लिया है इस तरीके से, इसको हम थोड़ा सा हल्का सा ठीक है इतना हम रखेंगे, और ये जा रहा है थोड़ा सा और सेट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो चुका है, अब इसको भी मंथ वगैरह सेट करना है, इसको हम यहाँ तक ऐसे मर्ज कर देंगे, और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसे मर्ज कर देंगे, तो ये बीचों बीच सेंटर में आ जाएगा, और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऐसे, तो ये भी आपका बीच में आ जाएगा, ये तो सिंगल रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये देखिए ये दोनों सेलों को एक बनाना है ऐसे, यहाँ पे मर्ज करेंगे, इसको सेंटर अलाइनमेंट दे देंगे। अब यहाँ हम फॉर्मल पेंटर यूज़ करेंगे बार बार, ताकि हमें यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम फॉर्मल पेंटर यूज़ करेंगे। अब इसको ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए यहाँ तक, ये देखिए ऑटोमेटिक एक ही बार में सेट हो गया। अब इसको भी हम एक ऐसे मर्ज करेंगे, ये देखिए, और हमने इसको सेंटर में बीचों बीच में कर लिया। अब इसे सेलेक्ट करें इस तरीके से, और ऐसे यहाँ तक सेलेक्ट कर दें, तो ये हो गया इस तरीके से सेलेक्ट। अब इसको हम रैप टेक्स कर देंगे, तो ये दोनों क्या होगा, ये जो चीज़ है वो आपके बीचों बीच सेंटर में आ जाएंगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए हो गया। अब इसको अगर आप ऐसे, तो ये इसके अंदर इस तरीके से टेस्ट को सेट कर सकते हैं। अब मर्ज रह गया हमारा ये, इसके बराबर करना है दो चीज़ों को, यहाँ पे देखिए ऐसे मर्ज करना है, और ऐसे इसको हमें सेलेक्ट करना है यहाँ तक ऐसे, तो ये भी आपका मर्ज हो जाएगा। ये इसको पहले मर्ज करिए, यहाँ से ऐसे मर्ज हो गया, अब इसे पकड़ लीजिए ऐसे, और यहाँ तक इसको मर्ज कर दीजिए, ये देखिए मर्ज हो गया। अब इन दोनों सेलों को एक साथ सेलेक्ट करिए और इसको मर्ज कर दीजिए, और ये बीचों बीच सेंटर अलाइनमेंट कर दीजिए, इसको भी दोनों को मर्ज कर दीजिए, हो गया। अब इसके बाद हम इन लाइन को ऐसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करेंगे, अब एक ही बार में देखिए यहाँ तक हम सेट करते हैं यहाँ तक, ये देखिए एक ही बार में तैयार हो। अब इसको अगर आप फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, पहले एक हम यहाँ पर फॉर्मेट लगा देते हैं, ये देखिए, इसके बाद ये बॉर्डर लगाएंगे हम। अब इसको यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, ये ऑल बॉर्डर लगा दीजिए, ये देखिए ऑटोमेटिक तैयार हो गया, और इसे भी सिलेक्ट करके आप यहाँ तक ये ऑल बॉर्डर लगा दीजिए, ये देखिए हो गया तैयार, है ना कितना ईजी। और ये बहुत आसान है, यहाँ पे क्लिक करिए, फिर से इसको आप यहाँ पे मर्ज कर दीजिए ऐसे, और इसको सेंटर अलाइनमेंट दे दीजिए ऐसे। इन दोनों को भी सेम प्रोसेस करना है, इसको या फिर सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्म पेंटर पे क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए। इसके बाद यहाँ भी वही सेम चीज़ प्रोसेस रहेगा, यहाँ सिलेक्ट करेंगे दोनों को, और ऐसे हम सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक हमारा डेटा बन गया। अब ये नीचे का हम एक सीज मर्ज कर देंगे, ताकि हमें नीचे कोई टैक्स नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे हम, इसको बॉटल लगा देंगे ऐसे, ये देखिए। अब यहाँ जो भी कलर आप जिसमें डालना चाहते हैं इजी डाल सकते हैं। कितना टाइम लगा, 2 मिनट के अंदर आप अपना फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं दोस्तों।
ये इस तरीके से। अब इसका अगर आप कलर फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो भी करना चाहते हैं, बस इसको बोल्ड करिए, यहाँ से टेक्स्ट को बड़ा करना है, छोटा करना है, वो सारी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से दे सकते हैं। अब अगर हम इसको कंट्रोल पी करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ऑटोमेटिक सारा फॉर्मेट हमारा सेट हो गया। दूसरा है देखिए, अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसे सिलेक्ट करेंगे हम और इसको हम लगा देते हैं बोल्ड वगैरह। ये देखिए अब लग गया, अब करिए कंट्रोल पी, ये देखिए परफेक्ट एक हमारा ये फॉर्मेट बन गया। चाहे आप डेली रिसीप्ट बनाना चाहते हैं, कोई भी जॉब कार्ड बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर बहुत ईजी बना सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद अगर आप कलर फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, वो आप यहां से दे सकते हैं दोस्तों, हमने पहले बता दिया है। अगर आप हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लें दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है, और हमारी सभी वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों को। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।